तो जनाब सैल्यूट है मेरी तरफ से पीसीबी में बैठे हुए उन लोगों को जिन्होंने ये फैसला किया है कि आईपीएल की विंडो में हम जो है पीएसएल को करवाएंगे। अपने ब्रांड को खुद बर्बाद करना कोई पाकिस्तान से सीखे। एक ही हमारे पास ब्रांड था, वो था पीएसएल। अब चैंपियंस ट्रॉफी मुश्किल से पाकिस्तानों को टूर्नामेंट मिला, चैंपियंस ट्रॉफी इतना बड़ा टूर्नामेंट आईसीसी का, उसको करवाने के चक्कर में अपने ब्रांड की कुर्बानी दे दी है। बट लाला, सबसे पहले जो है क्लैश विद आईपीएल, अगर हम पीएसएल सीजन 10 की बात करते हैं, ऑब्वियसली चैंपियंस ट्रॉफी हो रही होगी उस वक्त जो पीएसएल की एक्चुअल विंडो है, तो हम पैरेलली आईपीएल के साथ खड़ा करके पीएसएल करवा रहे हैं। सबसे पहले तो अगर इस आइडिया की बात करें आपसे, डू यू थिंक दिस इज अ सक्सेसफुल आइडिया? तो मेरा नहीं ख्याल के सेम टाइम पे दोनों ही बड़ी लीग्स हैं, ठीक है, आईपीएल को थोड़ा सा मैं पैसों की वजह से जरा ज्यादा कह दूंगा, लेकिन अगर साथ होती है तो फिर उतना टैलेंट या उतने नाम वाले प्लेयर जो है वो फिर नहीं आते कम पैसों की वजह से। तो मेरे ख्याल में तो होना ये चाहिए कि अलग अलग हो। चैंपियंस ट्रॉफी की वजह से इस बार पीएसएल फरवरी और मार्च के बजाय अब होगी अप्रैल और मई में, 10 अप्रैल से स्टार्ट होगी और 25 मई तक जारी रहेगी पीएसएल। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, मोहसिन नकवी साहब ने इसके शेड्यूल का ऐलान कर दिया है। इसका मतलब है कि जिस विंडो में आईपीएल हो रही होगी वहीं पर टकराएगी आईपीएल और पीएसएल, यानी दो बड़ी लीग का आपस में होगा टाकरा। और ठीक है, आईपीएल बहुत बड़ी लीग है लेकिन पीएसएल भी अपनी स्टैंडिंग रखती है, तो बहुत सारे प्लेयर जो आईपीएल में नहीं पिक होते तो शायद वो पीएसएल में आ जाएंगे। क्या करोगे आप तो पीएसएल ऑलरेडी इस बार अगर आप पिछले लास्ट 2 साल से देखो डाउन है, फॉरेन प्लेयर आ नहीं रहे, मार्केट वैल्यू गिरी हुई है, क्राउड को ग्राउंड में लाना एक मुश्किल टास्क है। इंडिया के आप क्राउड ग्राउंड देखें, वो लाख लाख के करीब उनकी कैपेसिटी है, आपके 15-15 हजार के ग्राउंड नहीं भर पाए। यार मैं समझता हूँ कि भाई आईपीएल के साथ क्लैश करना अपने पांव में कुल्हाड़ी मार के अपनी लीग को तबाह करने के बराबर है, मतलब डिग्रेड भी नहीं तबाह करने के बराबर है। और बोलते हैं कि ये जो अगला साल है ये मौत होगी जो है आईपीएल की, और आईपीएल में कोई नहीं खेलेगा, सब पाकिस्तान जाएंगे। ये न्यूज सुनकर ना मेरा पेट खराब हो गया भाई। आईपीएल का और पीएसएल का हमेशा कंपैरिजन किया जाता है, लेकिन आईपीएल के दौरान अगर पीएसएल होती है ना, आईपीएल को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर पीएसएल के दौरान आईपीएल हो रही हो ना, तो यकीन माने इससे बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। आपने दुनिया की नंबर 1 लीग आईपीएल, जिसको पूरी दुनिया देखती है, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, वेस्ट इंडीज, लंका, बांग्लादेश, पूरी पूरी दुनिया इसको देखती है, जहां पर क्रिकेट नहीं भी खेली जाती, जिनकी टीम नहीं है वो लोग भी देखते हैं, उनके होने के बावजूद आपने उस लीग के साथ टक्कर ले ली है, तो ये बहुत बड़ा पाकिस्तान ने एक अपने पांवों पे कुल्हाड़ी मार ली मेरी नजर के अंदर। पीसीबी की इतनी औकात है आईपीएल के साथ मुकाबला करना, 20 करोड़, 24 करोड़, 18 करोड़, 15 करोड़ दे सकते हैं, वो अपने प्लेयरों को नहीं इतने पैसे दे सकते, लाख रुपया उनकी 6-6 महीने की तरह रोक लेते हैं और वो आईपीएल के साथ मुकाबला कर रहे हैं। यार पहले अपनी औकात बनाए, ठीक है, फिर आके आईपीएल का मुकाबला करें। और अगर इस दौरान आईपीएल होती है तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास खासी, जो मैंने कहा ना, तश्वीशनाक है, तो खासी मुश्किल हो जाएगी, काफी मुश्किल, परेशानी बढ़ जाएगी, क्योंकि बड़े पीसीबी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन ने ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है पीएसएल सीजन 2025 का, पीएसएल सीजन 2025 और आईपीएल सीजन 2025, ये दोनों आपस में सेम डेट्स में रहेंगे, यानी कि ऑलमोस्ट कुछ डेट आगे पीछे होंगे, ऑलमोस्ट सेम मंथ में दोनों लेगी होंगी, जिसके बाद पाकिस्तानी मीडिया ने शदीद भरमी का इजहार किया। पाकिस्तानी मीडिया कह रहा है कि आईपीएल अगरचे पाकिस्तान सुपर लीग के 2 महीने बाद भी हो, तब भी पाकिस्तान सुपर लीग के अंदर बड़े प्लेयर नहीं आते, वो अपने आप को आईपीएल के लिए तैयार करते हैं, और अगर दोनों के दोनों लीगें सेम टाइम पर होगी तो पीएसएल के अंदर कोई भी बड़ा खिलाड़ी आने को तैयार नहीं। अगर पीएसएल आईपीएल सेम डेट पर सेम टाइम में होगी तो पीएसएल पाकिस्तान सुपर लीग के अंदर जितनी मर्जी ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर ले, कोई भी बड़ा प्लेयर आने को तैयार नहीं होगा, क्योंकि तमाम तरह बड़े प्लेयर आईपीएल खेलते हैं, कोई भी प्लेयर पाकिस्तान में आने को तैयार नहीं है। शाहिद अफरीदी कहना है कि अगरचे हम ये बात ना माने, लेकिन ये बात तस्लीम करना लाजमी है कि आईपीएल लीग बहुत बड़ी है, बहुत ज्यादा फाइनेंशियली भी और उसकी क्वालिटी क्रिकेट भी, क्योंकि इसका मुकाबला इस बात से लगा लें कि अगर पीएसएल के अंदर स्टेडियम की कैपेसिटी 15,000, तो 15,000 की सीटिंग कैपेसिटी वाला स्टेडियम फुल नहीं होता, जबकि इसके मद्दे मुकाबले आईपीएल की सीटिंग कैपेसिटी स्टेडियम की 1.5 से 2 लाख है, वो 1.5 से 2 लाख सीटिंग कैपेसिटी वाला स्टेडियम फुल भरा होता है, यही फर्क है, इतनी ज्यादा व्यूअरशिप, इतनी ज्यादा फैन फॉलोइंग, इसकी वजह से ज्यादा प्लेयर मोटिवेट होता है, इसीलिए हर प्लेयर भाग भाग के आईपीएल का रुख करता है। पाकिस्तान सुपर लीग को आईपीएल के मुकाबले खड़ा करना पाकिस्तान सुपर लीग के पांव पर कुल्हाड़ी मारने के मुतबादिल है, क्योंकि कोई भी बड़ा प्लेयर नहीं आएगा, और अगर कोई भी बड़ा प्लेयर नहीं आएगा तो पाकिस्तान के प्लेयर तो क्या, कोई बड़ा प्लेयर भी खुशी से नहीं खेलेगा, और ना कोई प्लेयर खुशी से खेलेगा, ना कोई बड़ी व्यूअरशिप आएगी, और विदाउट व्यूअरशिप कोई भी लीग टोटली फ्लॉप होती है, क्योंकि डीएल की जो कोई भी लीग होती है उसको अच्छा या बुरा बनाने में 99% किरदार होता है उसकी व्यूअरशिप का, जितनी ज्यादा व्यूअरशिप होगी उतनी ही ज्यादा वो लीग अच्छी जाएगी, और ऑटोमेटिकली अगर
डाउन विशिप होगी तो बाई डिफॉल्ट जितनी मर्जी बड़ी लीग हो ऑटोमेटिकली वो डाउनफॉल का शिकार हो जाती है। खिलाड़ी वहां जाएंगे, वहां अट्रैक्शन ज्यादा है, सिंपली कह सकते हैं कि वहां डॉलर्स ज्यादा है। जितने डॉलर्स यहां पर एक प्रीमियम क्लास के खिलाड़ी को मिलते हैं, वहां एक जूनियर मतलब बिल्कुल लो लेवल कैटेगरी का खिलाड़ी भी उतने पैसे उतने करोड़ जो है वो ले जाता है। और जब वहां पर प्रीमियम खिलाड़ी जो खिलाड़ी यहां से 4-5 करोड़ पकड़ता है वो वहां पर 15-20 करोड़ पकड़ लेता है। यकीनी तौर पर बहुत ज्यादा आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए मुश्किल होगा कि खिलाड़ी को अट्रैक्ट करें, यहां लेकर आए और पीएसएल खिलाया। अपने ब्रांड को खुद बर्बाद करना कोई पाकिस्तान से सीखे, एक ही हमारे पास ब्रांड था वो था पीएसएल। अब चैंपियंस ट्रॉफी मुश्किल से पाकिस्तान को कोई टूर्नामेंट मिला, चैंपियंस ट्रॉफी इतना बड़ा टूर्नामेंट आईसीसी का, उसको करवाने के चक्कर में अपने ब्रांड की कुर्बानी दे दी है। पीसीबी ने फ्रेंचाइजर्स के साथ जो मीटिंग की उसके अंदर फैसला किया कि पूरे साल के अंदर कोई विंडो नहीं मिल रही, उन्होंने पकड़ के आईपीएल के साथ दुनिया की सबसे बड़ी लीग के साथ कंपेरिजन के तौर के ऊपर लेकर आगे पीएसएल को। बंदा पूछे आपने टक्कर किससे ले ली है, इससे बेहतर आप इंटरनेशनल लीग, साउथ अफ्रीका की लीग, बांग्लादेश प्रीमियर लीग, इन तीनों लीग के साथ टक्कर ले लेते, आपकी लीग को लोग देख लेते। आपने दुनिया की नंबर वन लीग आईपीएल जिसको पूरी दुनिया देखती है, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, वेस्ट इंडीज, लंका, बांग्लादेश, पूरी पूरी दुनिया ही उसको देखती है, जहां पर क्रिकेट नहीं भी खेली जाती, जिनकी टीम नहीं है वो लोग भी देखते हैं, उनके होने के बावजूद आपने उस लीग के साथ टक्कर ले ली है। अब मसला सबसे बड़ा क्या है, सबसे बड़ा मसला है व्यूअरशिप का, दूसरा सबसे बड़ा मसला फॉरेन प्लेयर का। व्यूअरशिप का मसला इस वजह से है कि जो लोग पीएसएल देखते थे इस वजह से पीएसएल को देखते थे क्योंकि कोई और दूसरी लीग नहीं होती थी पीएसएल के साथ, तो वो लोग पीएसएल को देखते थे, साउथ अफ्रीका वाले, ऑस्ट्रेलिया वाले। अब बंदा पूछे कि जब आईपीएल चल रही होगी पाकिस्तानी तो देख लेंगे पीएसएल, बाकी लोग क्या देखेंगे पीएसएल को? बिल्कुल भी नहीं, वो आईपीएल को देखेंगे क्योंकि आईपीएल का जो लेवल है वो बहुत ऊपर जा चुका हुआ है, जहां पे उनके प्लेयर्स खेल रहे हैं वो लोग उसी लीग को देखेंगे ना। तो ये बहुत बड़ा पाकिस्तान ने एक अपने पांवों पे कुल्हाड़ी मार ली। आज एक मीटिंग होने जा रही है पीसीबी की, जिसमें ये फैसला किया जा रहा है भाई कि पीएसएल जो है ना उसकी एक ही विंडो जा बचती है, और वो विंडो कौन सी बचती है आपको मालूम है? आईपीएल की विंडो। जिस विंडो में आईपीएल होगी ना, आईपीएल का जो नेक्स्ट सीजन होगा ना, उसी में पीएसएल को करवाया जाए, यानी कि एक साइड आईपीएल हो रही होगी और एक साइड आपको पीएसएल देखने को मिलेगी। क्या पीएसएल इस टाइम में सर्वाइव कर पाएगी जब एक साइड आईपीएल हो रही होगी, दुनिया का सबसे बड़ा या सबसे बड़ी लीग हो रही होगी, सबसे बड़ा इवेंट, और उसके दौरान आप अपने पीएसएल को करवाएंगे, तो क्या पीएसएल सरवाइव कर पाएगी? सवाल तो बड़ा ही है ना। आईपीएल का और पीएसएल का हमेशा कंपैरिजन किया जाता है, लेकिन आईपीएल के दौरान अगर पीएसएल होती है ना, आईपीएल को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर पीएसएल के दौरान आईपीएल हो रही हो ना, तो यकीन माने इससे बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। पहली बात तो यह है कि जब आईपीएल हो रही होती है भाई, तो बाकी कहीं पर क्रिकेट को कोई देखता ही नहीं है, पूरी दुनिया की जो क्रिकेट है उसको स्टॉप लगा होता है, और आईपीएल के दौरान जितनी भी सीरीज होती है ना वो कुछ छोटी मोटी होती है, कोई 20 टीम ही खेल रही होती है, और पाकिस्तान का हमेशा से रोला ये होता है कि हमारी कोई जो सीरीज जो है आईपीएल के दौरान रखी जाती है।